बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है आप सबका थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज है जी 7th of August और आई एम इन मिसिसागा ओंटारियो और टेम्परेचर है 27°C। काफ़ी गर्मी है आज। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में मंथली एक्सपेंसेस की, और इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिसकी बेस पे आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोविड की वजह से ना यहाँ पे प्राइसेस हर चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि डिमांड सेम है चीज़ों की, लेकिन सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से प्राइस पर इफेक्ट आया और चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं। तो आपको बहुत स्मार्टली यहाँ पर अपने एक्सपेंसिस को मैनेज करना होगा। आज फ्रेंड्स काफ़ी गर्मी है यहाँ पे और बालकनी में तो वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। तो चलें किसी पार्क में चलते हैं और वहाँ पे जाके किसी दरख्त की शेड में बैठ के वीडियो बनाते हैं। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई केम आउट, और मैंने घर के पास बहुत ही ज़बरदस्त एक बाइक का ट्रेल ढूंढ लिया है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और प्लेग्राउंड्स हैं, इसके अलावा लोगों के गार्डन्स हैं। चले फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। जो आपका मेन एक्सपेंस है ना कनाडा में, वो है आपकी अकोमोडेशन, जो कि वेरी करती है बिटवीन 1200 to 1300 to 2200 to 2500। और जो बेसमेंट्स है ना, वो आपको यूजुअली जो हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। आप कह लें कि स्टार्ट होता है 1200, 1300, 1400, 1500 के अराउंड स्टार्ट होती हैं बेसमेंट्स। तो अगर आप आ रहे हैं कनाडा में एज इमिग्रेंट्स, तो आप बेसमेंट से अपनी लाइफ का स्टार्ट कर सकते हैं, और ग्रेजुअली जैसे ही आपको कनाडा की आप जॉब मार्केट में एंटर होते हैं और कैनेडियन इनकम आपकी स्टार्ट हो जाती है विद इन 3 to 6 months, तो उसके बाद आप बेसमेंट को छोड़कर किसी हाउस में या अपार्टमेंट वगैरह में मूव हो सकते हैं। और अपार्टमेंट का जो रेंट है वो आप कह लें कि 1600 से स्टार्ट होते हैं। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं 1600 से स्टार्ट होती हैं, और बिल्डिंग थोड़ी पुरानी होती है लेकिन अंदर से अपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आजकल सारे जो बिल्डिंग्स हैं ना वो अपार्टमेंट रेनोवेट कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको अपार्टमेंट मिल जाता है विद इन 1600 की रेंज में। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्डिंग थोड़ी नई हो, जैसा कि जिस बिल्डिंग में मैं मूव हूँ, तो आपको 1700, 1800, 1900 की रेंज में मिल जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप कनाडा में आज न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, तो इनिशियली पैसे सेव करने के लिए आप अपनी लाइफ का स्टार्ट जो है ना बेसमेंट से कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि बेसमेंट में थोड़ा ना डिप्रेसिंग होता है क्योंकि सनशाइन थोड़ी कम आती है, तो $100-200 एक्स्ट्रा दे के आप किसी अपार्टमेंट में मूव हो जाएँ, तो इतना ज़्यादा प्राइसेस का डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपका ठीक ठाक डिफरेंस आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपको अकोमोडेशन थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। आप शेयर्ड अकोमोडेशन में एक रूम ले सकते हैं जो कि आपको 500 to 700 मिल जाएगा। 700 वाला काफ़ी अच्छा होगा,
500 वाला भी ठीक ही होता है मीडियम, और जिसके अंदर आपका जो है ना वॉशरूम और किचन वो होता है शेयर्ड। और रेंट के अलावा आपको अक्सर ऐसा होता है कि आपको पार्किंग के अलावा पैसे देने पड़ते हैं जो कि $50 to $60 होते हैं, और उसके अलावा यूटिलिटीज़ भी कभी कभी आपको खुद पे करनी पड़ती हैं, जिसमें कि आता है इलेक्ट्रिसिटी जिसको कनाडा में हाइड्रो कहते हैं, वाटर और गैस हीटिंग वगैरह के लिए, तो वो आपकी यूटिलिटीज़ बन जाती हैं तकरीबन $100 to $150। और फ्रेंड्स जो सेकंड आपका मेन एक्सपेंस है ना वो है आपकी ग्रोसरी। ग्रोसरी पे आपका पर हेड इजीली $200 जो है ना वो आपकी स्पेंडिंग होगी। और ग्रोसरी में मैं क्या करता हूँ जी, मैं तो बाहर से कुछ भी नहीं खाता फॉर हेल्थ रीजंस एज वेल, मेन रीज़न तो हेल्थ रीज़न है। मैं जो भी खाता हूँ अपने हाथ का बना हुआ खाता हूँ, बिल्कुल प्योर और अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं बाहर से कुछ ना खाऊं, तो आपको भी यही करना चाहिए, बाहर से बिल्कुल कम से कम खाएं और अपने हाथ का बना हुआ खाना खाएं जिसमें ऑयल भी कम होगा, स्पाइसेस भी कम होंगे, साफ भी होगा। और फ्रेंड्स थर्ड आपका जो मेन एक्सपेंस है ना वो आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन पे। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन इतनी सस्ती भी नहीं है और इतनी महंगी भी नहीं है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, रीज़नेबल है, और आप अगर उस पे मंथली पास बनवा लें तो वो इतना एक्सपेंसिव आपको नहीं पड़ता। प्लस यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने जब भी बसेस पे ट्रैवल करना है ना तो आपने चेंज अपने साथ रखना है, क्योंकि अगर आपका फेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल $3 और आप उसको $5 का बिल दे रहे हैं जो ड्राइवर है, तो वो आपको बाकी चेंज नहीं देगा क्योंकि उनके पास चेंज होता ही नहीं है, तो आपने चेंज अपने पास रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी महंगी नहीं है, आपको 3,000 से 10,000 की रेंज में डिसेंट कार मिल जाएगी। और कोशिश करें आप अपनी फ़र्स्ट कार ले रहे हैं ना हमेशा जैपनीज़ कार से स्टार्ट करें, टोयोटा से स्टार्ट करें, टोयोटा बहुत ही रिलायबल कार है और बहुत ही ड्यूरेबल कार होती है। लेकिन जो यहाँ पे इंश्योरेंस है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली अगर आप बड़े सिटीज़ में रहते हैं ना जहाँ पे एक्सीडेंट्स का रेशो थोड़ा ज़्यादा है या गाड़ियाँ चोरी होने का रेशो ज़रा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी जो है ना इंश्योरेंस वो थोड़ी महंगी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ओंटेरियो में सिटी है ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन इज़ नोटोरियस फॉर कार एक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से वहाँ पे ना इंश्योरेंस बहुत ही महंगी है, आपको $400 से स्टार्ट होगी आपकी इंश्योरेंस। और फ्रेंड्स एक और बात, कनाडा में जो जेंट्स की टी शर्ट्स और जीन्स है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। आपको जो मीडियम क्वालिटी की जीन्स है ना वो $40 to $50 की मिलती है और टी शर्ट $20 to $30 की। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं ना तो ढेर सारी जीन्स और टी शर्ट्स अपने साथ लेके आनी है आप। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेरे मंथली एक्सपेंसिस की। तो जो मेरा घर का रेंट है ना वो है जी 1900, और मैं रहता हूँ ओंटेरियो मिसिसागा में, स्क्वायर वन जो कि मिसिसागा का डाउनटाउन है उसके बिल्कुल पास रहता हूँ। बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग है और ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है, और अपार्टमेंट है जी 1 bedroom plus 1 den। डैन होता है यहाँ पे जी, एक छोटा सा रूम होता है जिसको आप ऑफिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो बेडरूम तो नहीं होता लेकिन एक छोटा सा रूम होता है। तो 1 bedroom plus 1 den है जिसका रेंट है 1900। और इसके अलावा मेरा जो है ना जी मेन एक्सपेंसेस वो हैं जी गाड़ी के, गाड़ी की इंश्योरेंस मेरी लकीली थोड़ी कम है। एक तो मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था, दूसरा मेरा जो लाइसेंस है वो हायर कैटेगरी का है जी, जिसकी वजह से मुझे इंश्योरेंस में डिस्काउंट मिलता है। तो अराउंड 200 मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है, और गाड़ी का जो गैस का जो है ना मेरा ख़र्चा वो है तकरीबन $150 पर मंथ। इसके अलावा घर की जो, क्योंकि घर नया था इसलिए मुझे घर की इंश्योरेंस करवानी पड़ी, तो वो है जी अराउंड $30। और इसके अलावा मेरा जी जो मेन एक्सपेंस है वो है जी ग्रोसरी, जो कि है अराउंड $200। और उसके अलावा है जी मोबाइल की फी, मोबाइल का जो पैकेज है उसका है जी $40, वाईफाई $50। और फ्रेंड्स इतने एक्सपेंसिव सुन के आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है कनाडा, शुरू के 1-2 साल आपका थोड़ा सा हार्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप
हार्ड वर्क करें और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो आप बहुत इजीली कनाडा में सेटल हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आई वॉज़ एबल टू शेयर सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन विद यू, और इंशाल्लाह जब आप कनाडा आते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।